पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज, हद निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे M2 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -12, ज्यारत में -10, कल्लात -8 और कोटा में -6 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के रवा हफ्ते के आखिर में मगरबी और बलाए इलाकों में बारिशों की पेशगोई। दर्जे हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। वजीराबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। सीधी तरह मारने की बजाय मामले को मजहबी रंग देने का प्लान था। ये 2 से 3 लोगों की साजिश थी। जानता हूँ कौन कौन मुलविस है। GIT की फाइंडिंग के मुताबिक शूटर एक नहीं 3 थे। एक ने नवीद को गोली मारना थी, आगे मौजम आ गया। मुलजिम को जो पढ़ाया गया उसने वही कहा। DPO गुजरात ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की। पंजाब में अपनी हुकूमत के बावजूद मर्जी के FIR नहीं कटवा सके। अब भी कोई इदारा तआवुन नहीं कर रहा। तफ्तीश से कौन डर रहा था? कौन सी ताकत FIR का इंदराज रोक रही थी? इमरान खान के सवाल। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। वही नौटंकी, वही झूठ और लफ्जों का हेर फेर। इमरान खान ने आज भी पुरानी बातें ही दोहराई। 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहने के बावजूद बेबसी का रोना रोया। पहले रिजीम चेंज साजिश का शोर मचाने वाले अब कत्ल की साजिश का ढिंडोरा पीट रहे हैं। इन्होंने ही मुल्क के अंदर माफिया को मुसल्लत करके चोरियां की, डाके भी डाले। महंगाई का तूफान और मौशी बर्बादी इन्हीं की नाअहली का नतीजा है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वजीराबाद लम्हा फिक्रिया, इंक्वायरी जारी है। कायदे आजम के बाद इमरान खान सबसे ईमानदार लीडर, उनके कयादत में मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके। एतमाद के वोट के हवाले से गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है, उसे नहीं मानते। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। वजीर आला पंजाब का दौरा गुजरावाला। टीचिंग अस्पताल में आउटडोर और एमरजेंसी सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तौसी मनसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर या कबल अस वक्त इनकाद की हिमायत नहीं करेगी। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पर काम करना होगा। दहशत गर्दों से मुतालिक पॉलिसी वासे। इमरान खान आम दुश्मनों के फ्रंट मैन हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम जमातों और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PP चेयरमैन के जेर सदारत CEC इजलास। मौशी बेहतरी की तजावीज़ के लिए नवीद कमर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। MQM राबता कमेटी का मुतनाज़े हल्का बंदियों के मौकिफ पर डटे रहने का फैसला। हंगामी इजलास में 9 तारीख के एहतजाज की तैयारी का आत्मी जायजा। राबता कमेटी का हैदराबाद में भी एहतजाज का फैसला।